आज आम प्रस्तुत करवा गोटा भेंडी मसला भजा जहाँ को आपण गरम भात और पखाल भात उभय सहित खाईपर। आशा कर रेसिपीटी भल लगे। जदि रेसिपीटी भल लगे वीडियो को लाइक शेयर करने सहित चैनल को सब्सक्राइब करने को जमार भूलें। बेल बटन क्लिक कर ऑल ऑप्शन सिलेक्ट करने जदर मोर नुआ नुआ वीडियो नोटिफिकेशन आप प्रथम पाइपर। तेज आउ डेरी नक चलते आरंभ करवा आज रेसिपी। प्रथमे आमे मसला बनई नवा से मो छोट बाउलटे नहीं जाइए से दे दूची 2 चमच गोटा सोरिष, 1 चमच देदेबा गोटा धनिया, ता सहित 1 चमच देदेबा गोटा जीरा। एथिरे अल्प पानी ऐड करके 15 मिनिट या बतुरवाई छाड़देबा। ये देखो मो भेंडी नहीं भेंडी को मो भल भाव धोईकी पोछिकी नहीं भेंडीर 2 पट साइड काटि सारापर मझुरू एमतीका चीरा लगे नवा। सबू भेंडी तक यहीपरी भाव में काटिदेकी आम आपको 15 मिनिट टी फैन पाखे रखीदे, जार ये भेंडीर जो लाल अंशटा थाए से सुखीज। भेंडी जदि बेसी लंबा थाए ताले आप 2 फाल करेंगे, किंतु आम गोटा भेंडी भजा बनाऊे तो मु भेंडी देखिकी नहीं जी लंबा सैज आमको दरकार। तेज सबू भेंडी तक काटि सारापर 15 मिनिट आपको फैन पाखे छाड़देबा। मसला भिजबार 15 मिनिट हो सारे। बर्तमान ये मसला को आम पानी छाणी नवा एवं गोटे छोट ग्राइंडर जारे देदेबा, जमती मसला गुड़ाक आम भल से बाटी हम। ता सहित मुझे किसी नहीं रसुण कला बा गोटे रसुण कोला नहीं गोटे छोटिया रसुण, ता सहित गोटे मीडियम साइज पियाज अल्प पानी ऐड करके आर गोटे फाइन पेस्ट बनै नवा। देखो मसला आमर ये रेडी हो गला। बर्तमान आम मसला को कषा से गैस ऑन कर गोटे पैन बसई नहीं। पैन में दे दूची 1 बड़ चमच सोरिष तेल। यही रेसिपीटी को सोरिष तेल बनइबे, बहुत ही टेस्ट लगी थाए। तापर फाड़े पियाज को चुन चुन करके काटी नहीं से पियाज को देकी टिके भाजी नवा। तेलटा गरम हो गला पर पकईदेबा पियाज को। देखो पियाज आमर ये लाल हो गला। बर्तमान आम बाटिकी रखिथिबा मसला को देदेबा। बर्तमान आम ये मसला को भल भाव में कषि नवा। 2 मिनिट हाई फ्लेम रे मसला गुड़िके कसला पर ग्राइंडर जार धोईकी मु 2 चमच पानी ऐड करदेली। बर्तमान ए स्वाद अनुसार लुण देदेबा, अल्प टिके हलदी गुंड देदेबा और 1 चमच देदेबा लंका गुंड। बर्तमान ये मसला को 10 मिनिट मीडियम फ्लेम रे कषिबा, जेमती मसलारू कंचा स्मेल पळेबो। 5 मिनिट कसला परे मु बर्तमान आपको ढांकुणी देदेबी 5 मिनिट पर्यंत। तापर देखंतु मसला आमर ये भल भाव में रेडी हो सारी। मझे थर मु गोल नहीं। बर्तमान गैस रो फ्लेम को बंद करदेबा और ये मसला गोटे प्लेट को काढ़ी ठंडा करे नबा। देखंतु मसला आमर ये ठंडा हो गला। आम जो भेंडी नहीं फैन पाखे रखिबार 15 मिनिट हो सारा। बर्तमान ये मसला सबको आम भेंडी भितर भरवा। चामच साइज हो कि हाथ साइज हो, जमी सुविधा हुए मसला सबको आपड़ भेंडी भितर भरी ने भल से। आंगुटी मसला भरवा द्वारा सहज होता है। देखो मुझे आंगुटी भल भाव हाथ में मसला भरी नौ भेंडी भितर। सबुतक भेंडी को यहीपरी भाव में आम मसला भरिकिना रखा। देखो ये मु सबु भेंडी रे मसला भरिकी रखी नहीं। बर्तमान गैस ऑन करी गोटे पैन बसई नवा। से देदेबा 1 बड़ चमच सोरिष तेल। तेलटा भल भाव पैन सारा बुलई नवा। तेल भल से गरम हो गला परे गोटा गोटा करी भेंडी ए रखी नवा। भेंडी सब रखी सारा पर चिमुटे लुण छिंची देबा, कहीं भेंडीटार आमर लुण आम देने तो ऊपर टिके लुण छिंची देकी गैस रो फ्लेम को एकदम स्लो करके आपको 5 मिनिट पर्यंत कवर करके छाड़देबा। जद्वारा कौन हम ना भेंडीटा भल भाव में सीझीज। 5 मिनिट पर आम ढांकुणा खोली नवा एवं ये भेंडी गुड़ को आम सब लेउटे देबा, ताकि उभय साइड आमर भल भाव में कुक हो पार। देखो बहुत ही केयरफुली भेंडी गुड़ को सब लेउटे देबा। भेंडी सबको लेउटे सारा पर पुणी थे या आम कवर करके 5 मिनिट छाड़देबा। टोटाली 10 मिनिट पर मुझे कवर खोली नहीं। आपड़ ये देखिपुर भेंडीर कलर एकदम चेंज हो सारी। बहुत ही नरम हो जाए भेंडी, कहीं भेंडीटा ये आम भल भाव में सीझी जाइए। मसला आमर ये भल भाव में भेंडी सहित एकदम सेट हो जाइए। बर्तमान आमर ये गोटा भेंडी मसला भजा खाइबाप एकदम रेडी हो सारी। बर्तमान ये सब भेंडी को आम गोटे प्लेट को बाहर कर आनिबा एवं सेम प्रोसेस रे बाकी भेंडी तक आम फ्राए करने पैन में देदेबा। पुणी थे प्यान में मुझे सोरस तेल पकई नहीं कि बाकी सब भेंडी तक देदेक टी लुण छिंचिकी घोड़े देली लो फ्लेम रे 5 मिनट पर्यंत तापर आउ 5 मिनट लेउटे सारा पर कुक करी तेरे सेकेंड बैच भेंडी हो सारी बहुत ही नरम हो मसला दिया गोटा भेंडी भजा खावाप बहुत ही टेस्ट लगी उभय गरम भात हो कि पखाड़ भात हो आपण को खावा बहुत ही टेस्ट लगे थे एमती प्रोसेस निश्चित बनबे मत कमेंट मध्यम जनइबे आपण मानक केमती लगिला। आशा कर आज रेसिपीटी आप समस्त निश्चित भल लगी वीडियो को लाइक शेयर करने सहित चैनल को सब्सक्राइब करने को जमार भी भूलें बेल बटन क्लिक कर ऑल ऑप्शन में सिलेक्ट करने जहाद्वारा मोर नुआ नुआ वीडियो नोटिफिकेशन आपको प्रथम मिल पार। तेज मुझे पुणी आसबि गोटे नुआ और इंटरेस्टिंग रेसिपी सहित से पर्यंत विदाय दिंतु। धन्यवाद।